हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नई डिजाइन का ये टेबल मैट लेकर आई हूँ। ये देखिए, बनाने में बिल्कुल आसान है ये, और मैंने ये चार कलर से बनाया हुआ है, ये देखिए। और ये काफ़ी बड़ा हमारा बन गया है, ये देखिए। और इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। किस तरह से मैंने ये बनाया है मैं आपको बनाना बताऊँगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा टेबल मैट आपको कैसा लगा। और ये मैंने 32 फंदों से बनाया है, 30 और 2 फंदों से। आपको जितना बड़ा चाहिए अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बना सकती हैं। ये देखिए, तो ये 32 फंदे का भी काफ़ी बड़ा बन गया है। आप अगर पुरानी चुन्नी और साड़ी से बना रहे हैं तो आप इसको 32 फंदों में ही बनाएं, उससे ये और भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ये देखिए, इसमें मैंने 10 कलियां बनाई हुई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह से मैंने फ्लावर डाले हुए हैं। आप अपने हिसाब से इसमें कलर लगा के इसको बना सकती हैं। इसमें आप जो भी आपके पास कलर बचे हुए हैं थोड़ा थोड़ा, उनको आप इसमें यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चार कलर का बनाया है। आप इसे 3 कलर से शुरुआत इसकी करके जितना मर्जी चाहे कलर इसमें ऐड कर सकती हैं। तो चलिए हम आपको ये शुरू से बताते हैं किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा टेबल मैट आपको कैसा लगा। तो ये मैं बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको शुरू से ही बताऊँगी किस तरह से मैंने इसको बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चार कलर ले लिए हैं। जो कलर हमारे पास मोटा है तो वो मैंने सिंगल ही कलर लिया है। ये वूल मेरी पतली है तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और ये इस वूल को भी मैंने फोल्ड किया है। ये क्रोशिया वाली वूल है, ये देखिए इस तरह से। और ये दो तीनों कलर हमारे पास मोटे मोटी वूल है तो मैंने इनको फोल्ड नहीं किया है। इसके लिए मैंने 9 नंबर सिलाई ली ले ली है। तो चलिए हम शुरू से ही आपको बताएंगे किस तरह से मैंने बनाया है इसको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे 32 फंदे ले लेती हूँ। ये देखिए, सिंपल तरीके से ही हमने फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 32 फंदे डाल लेती हूँ। आपको ये मैं बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ। जितना देखने में कठिन है उतना ही बनाने में बिल्कुल आसान है। तो चलिए यहाँ पर 32 फंदे ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 32 फंदे ले लिए हैं। चार के मल्टीपल पे मैंने फंदे लिए हुए हैं। इसी तरह से जिस तरह से भी आपको बड़ा छोटा बनाना है, आप चार के मल्टीपल पे फंदे ले लें और इसको बना लें। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको शुरू से ही डिजाइन बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है। फंदे मैंने डाल लिए हैं और यहाँ पर ये देखिए, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 ये 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 18 फंदे अपने बना लिए हैं। और यहाँ से हम 2 फंदे अपना यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, कोई भी कलर अपना लेके आप इस तरह से फ्लावर बना ले। तो यहाँ पे 18 फंदे मैंने क्रीम कलर से बना लिए, 2 फंदे मैं यहाँ पे फ्लावर के बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, तो 2 फंदे फ्लावर बना लिया है। इसके आगे मैं आगे के फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर बनाने के बाद मेरे पास यहाँ पे 12 फंदे रह गए थे, तो मैंने 10 फंदे बना लिए और लास्ट के 2 फंदे मैंने छोड़ दिए। यहीं से मैं वापस हो जाऊँगी और सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इसको बनाएंगे।
बहुत ही इजी है बनाने में। ध्यान से वीडियो पूरा देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने पीछे धागा कर लिया है और इसको मैं आगे लाऊंगी और दो फंदे यहाँ पे उल्टा बना लेती हूँ। ये देखिए पीछे धागा किया, आगे इसको धागे को करते हुए हम आगे के फंदे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सीधी सिलाई को बना लिया है और जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना रहे हैं। ये देखिए सीधी सिलाई हो चुकी है, आगे हम उल्टी सिलाई पे। तो देखिए फिर से हम अपना यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हम 18 फंदों को बुन लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए दूसरी सिलाई में 18 फंदे में जो ये सभी बुन लेने हैं इस तरह से। ये देखिए दूसरी सिलाई में हम 18 फंदे अपना बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए ये दो फंदे मैं इसी कलर से इनको बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम अपना इसमें ग्रीन कलर को ऐड करेंगे यहाँ पे अपना। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 8 फंदे अपना ग्रीन से बना लूँगी। यहाँ पे लास्ट के 10 फंदे बने हुए हैं इस तरह से। 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7 और ये देखिए 8। दूसरी सिलाई में फिर से मैंने दो फंदे छोड़ दिए हैं। तो देखिए मैंने लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से हम सिलाई को इस तरह से पलट लेंगे और सीधी सिलाई में हमारा जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्लावर की अपनी ये ग्रीन से अपना बना लिया है। ये देखिए धागा हम पीछे करेंगे और ये वाला धागा हम आगे लाएंगे और ये दो फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। पीछे हमने धागा कर दिया है, क्रीम कलर को आगे ले आते हैं और आगे के ये 18 फंदे हम बुन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फ्लावर बन चुका है और लास्ट में हमने ये 4 फंदे दो दो करके छोड़ दिए हैं। इसी तरह से हमने पूरा ये डोरमैट कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं हूँ उल्टी सिलाई पे, तो उल्टी सिलाई पे हम दूसरा फ्लावर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 12, 13, 13, 14, 14 फंदे मैंने बना लिए हैं और 4 फंदे हमने यहाँ पे अपना छोड़े हुए हैं। यहाँ पे हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए 4 फंदे क्रीम कलर के, 14 फंदे बना लिए हैं एक। अब यहाँ से हमारा दूसरा फ्लावर शुरू हो गया है। आगे के ये दो फंदे ये सभी को हम यहाँ पे ये देखिए 1, 2 और ये फ्लावर हम आप बंद कर देंगे। 2, 3, 4 और ये 8 फंदे भी हम लास्ट के दो फंदे छोड़ेंगे और यहाँ पे हम ये भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे हम बना लिए। लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये फ्लावर मैंने बंद कर दिया है, ये मैंने शुरू कर दिया है। अब सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे आपको उल्टी सिलाई पे फिर दिखाते हैं। धागे को क्रॉस करते हुए सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक फ्लावर अपना बना चुके हैं, दूसरे की हमने शुरुआत कर ली है। तो यहाँ पे 10 फंदे हैं और यहाँ पे हमारे 14 फंदे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम इस बार इसको ये देखिए 14 फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे पूरा हम अपना। यहाँ पे 14 फंदे अपना क्रीम कलर से ही बनाएंगे दूसरी सिलाई में।
ये देखिए, तो 14 फंदे यहाँ पे हम बना चुके हैं और 2 फंदे हम फ्लावर वाले बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और आगे के फंदे हम, अब ये देखिए 10 फंदे हमने बनाए थे क्रीम कलर से, इसके बाद मैं अपना यहाँ पे 8 फंदे ग्रीन से बना लेती हूँ और लास्ट के 2 फंदे मैं छोड़ देती हूँ। ये देखिए लास्ट के फिर से मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से वापस करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनता चला आ रहा है। तो चलिए सीधी सिलाई को हम, ये देखिए जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम धागे को क्रॉस करते हुए इसको बनाएंगे। ये बिल्कुल ईजी है। अच्छे से अपना पूरे टेबल मैट को अच्छे से देखें, इसी तरह से सभी पत्तियां हमने बनाई हुई हैं। ये देखिए पीछे धागा करेंगे और ये वाला धागा, 14 फंदे ये बना लेते हैं। सीधी सिलाई हम बना लिए हैं जो फंदा जैसा है। अब ये देखिए यहाँ पे हम अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 9, 10। अब 4 फंदे फिर से हैं। अब दूसरा फ्लावर हम बनाएंगे यहाँ पे, इसको हम बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरा फ्लावर हम बना लेते हैं और यहाँ पे हम अपना 10 फंदे, ये देखिए 2 ये बना लेते हैं और ये भी फंदे मैं क्रीम से ही बना लूँगी, बंद कर दूँगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। अब लास्ट के हम 2 फंदा छोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल ईजी है, इस तरह से ये देखिए बनते चले आ रहे हैं हमारा। अब सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टी पे फिर दिखाते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम ये 10 फंदे हमारे हैं। अब 10 फंदों में हम 8 फंदे अपना ग्रीन से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 10 फंदे बना लेते हैं। ये देखिए इस बार यहाँ पे 4 फंदे अभी फ्लावर बन, अगली सिलाई में, दूसरी सिलाई में हम अपना फ्लावर बनाते हैं। ये देखिए और ये फंदे मैं इसी कलर से बना लूँगी इस तरह से। और आगे के ये देखिए यहाँ से हम अपना फ्लावर की डंडी बना लेते हैं, यानी कि डाली। ये देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8 फंदे बना लिए। लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़ दिए। हर बार हर सिलाई पे मैं 2-2 फंदे अपना यहाँ पे देखिए छोड़ रही हूँ। इसके सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये 8 फंदे ग्रीन से और 2 फंदे ऑरेंज से और आगे के 10 फंदे क्रीम से। ये देखिए धागे को इस तरह से क्रॉस करेंगे ताकि अच्छे से हमारा फिनिशिंग के साथ आए। ये देखिए, तो चलिए मैं बना लेती हूँ सीधी सिलाई को। कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना चौथा फ्लावर बनाएंगे। चौथा फ्लावर यहाँ पे 10 फंदे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5, 6 फंदे मैं अपना वाइट से बना ली हूँ और 4 फंदे यहाँ पे हैं। 2 फंदे हम फ्लावर के बनाएंगे। ये देखिए ध्यान से आप इस तरह से, ये देखिए। तो ये फ्लावर हमने बना लिया है और इसको हम अब बंद करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़ दिए हैं, यहीं से टर्न करेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो चलिए बना लेते हैं सीधी सिलाई को। इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 सिलाई बना रहे हैं, इसके बाद हम 8 फंदे ग्रीन से बनाएंगे। ये बंद कर दिया है और यहाँ पे दूसरा हमने बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा
ये देखिए ये 6 फंदे हम अपना बना लेते हैं क्रीम से ही इस बार, और ये 2 फंदे फ्लावर वाले इसी कलर से हम बनाएंगे इसको, ये देखिए। और आगे के फंदे अब हम यहाँ पे 10 फंदे हैं हमारे, 2 फंदे हम छोड़ देंगे, तो 8 फंदे हम अपना ग्रीन से इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे फ्लावर हमारा बन के कम्प्लीट है। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेंगे, ये देखिए। सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना के इसको कंप्लीट करते हैं। सीधी सिलाई में यहाँ पे बना चुकी हूँ, अब हम मैं उल्टी सिलाई पे, तो उल्टी सिलाई पे यहाँ पे हमारे 6 फंदे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम अपना 2 फंदा बना लेते हैं और 4 फंदों में हम अपना 5वां फ्लावर बना लेते हैं। ये देखिए 1, ये देखिए 2, आगे के ये फ्लावर वाले फंदे हम बंद करेंगे। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए। और ग्रीन वाले फंदे भी हम यहाँ पे 6 फंदों को बना लेते हैं और लास्ट के 2 फंदे हम ये देखिए छोड़ देते हैं। ग्रीन वाले भी मैंने जो जो सिलाई जैसी आ रही है उसी कलर से हम छोड़ते हुए जा रहे हैं और यहीं से टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट तक हमारा ये देखिए सीधी सिलाई को बना लेते हैं जो फंदा जैसा है उसी कलर से, ये देखिए इस तरह से पीछे धागा करेंगे और हम अपना फ्लावर वाले फंदे 2 बना लेंगे। ये देखिए पीछे धागा करेंगे और 2 फंदे हम अपना, और लास्ट का फंदा हम हमेशा सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ आ जाए। अब ये देखिए फिर से मैं उल्टी सिलाई पे हूँ, तो उल्टी सिलाई पे 2 फंदे अपना क्रीम वाले बना लेती हूँ, ये देखिए। और ये 2 फंदे हम फ्लावर वाले बना लेते हैं इस तरह से, आगे के फंदे हम ग्रीन लगा देंगे यहाँ से, ये देखिए इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए 8, और लास्ट के हम 2-2 फंदे इस तरह से छोड़ दिए हैं और यहीं से टर्न करेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बना लेंगे। तो सीधी सिलाई को बना के कंप्लीट करते हैं, ये देखिए इस तरह से 8 फंदे ग्रीन से हमने बना लिए हैं, 2 फंदे हम फ्लावर वाले बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से धागे को क्रॉस करेंगे। और ये वाला धागा हमने क्रीम कलर को आगे लाना है और लास्ट वाला फंदा सीधा हम बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारे 5 फ्लावर बनके कंप्लीट हैं। इसके बाद हम ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक फंदे हम छोड़ चुके हैं। अभी ये देखिए यहाँ से हम सभी फंदों को, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए यहाँ पे हम कोई फ्लावर नहीं हम बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लावर हमारे बन चुके हैं 5। अब ये 10 फंदों को भी हम इसमें हम 8 फंदे अपना 2-2 करके छोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये 10 फंदे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम अपना यहाँ पे ग्रीन लगाएंगे, फिर लास्ट के हम 2 फंदे छोड़ेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारे 5 फ्लावर बन चुके हैं, अब हम ग्रीन लगा रहे हैं और लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देते हैं, 6 फंदे हम बना लेते हैं, ये देखिए लास्ट के 2 फंदे 2, 4, 6, 8 8 फंदे बना लिए। अब 2-2 करके हम सभी फंदों को छोड़ेंगे।
तो देखिए बिल्कुल ईजी है। तो देखिए यहाँ पे अभी 8 फंदे हैं, तो लास्ट में हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हम अपना 6 फंदे बना लेते हैं, ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हमने छोड़ दिए, ये देखिए ये देखिए। अब 6 फंदों में हम अपना 4 फंदों में ग्रीन लगा देते हैं, लास्ट के 2 फंदे छोड़ेंगे, ये देखिए 4 फंदे बना लिए। यहीं से हम धागे को टर्न करेंगे, लास्ट का फंदा हमेशा हम सीधा ही बना रहे हैं। अब ये देखिए हम आगे हैं उल्टी सिलाई पे, अब यहाँ पे हम 2 फंदा अपना, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं ये देखिए 2-2 करके सभी 30 फंदों को अपना छोड़ चुकी हूँ, 2 फंदे हमारे पास ये हैं। अब ये देखिए यहीं से हम टर्न कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक पत्ती हमारी फ्लावर की बनके कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपना पूरा हम ग्रीन से बना लेते हैं, पूरी सिलाई को हम जो फंदे छोड़े हैं सभी को हम ग्रीन से बना लेते हैं। 3 फंदे लास्ट के छोड़ेंगे और सभी फंदों को हम ग्रीन से ही बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप ज़रूर ध्यान से देखें, और आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी इसको बना सकते हैं। तो ये पुरानी चुन्नी और साड़ी से आप बना रहे हैं तो 32 फंदे का भी ये आपका काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई को ये देखिए बना के कंप्लीट कर लिया है सभी फंदों को इस तरह से, ये देखिए लास्ट के मैंने 3 फंदे छोड़ दिए हैं, और पूरी सिलाई को हमने यहाँ पे बना लिया है। और सिलाई को पलटेंगे और अपना यहाँ से पूरी सिलाई को ग्रीन से हम बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई में ग्रीन फंदे ग्रीन से सभी बना लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे एक पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है। अब हम दूसरी पत्ती के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इन धागों को आप कट कर सकते हैं, यहाँ पे कट करके नॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम अपना इसमें ब्लू कलर लगाएंगे। तो देखिए एक बार मैं आपको दूसरी पत्ती के लिए ब्लू कलर लगा के आपको बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। और साथ साथ में ही हम अपना ग्रीन भी ले जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। पूरी सिलाई हमने ब्लू से अपना बना लेनी है, और ये देखिए ये देखिए। इस तरह से ग्रीन को अपना यहां तक कर ले जहां से हमने फ्लावर की शुरुआत की है, साथ साथ ले जाते हुए, ये देखिए। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से मैंने अपना ब्लू कलर लगा दिया है, आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको ऐड इसमें कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं पूरी सिलाई को, अब ये देखिए यहाँ पे मेरा ग्रीन आ गया है। इन धागों को मैं यहाँ से कट कर दूंगी, चाहे आप इसी तरह से रहने दें, ये देखिए। तो यहाँ पे हम धागों को कट करके नॉट लगा देंगे अपना। तो इसमें हम 10 पत्तियाँ इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट के 2-3 फंदे मैंने छोड़े, सभी को मैं बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ, ये देखिए सभी फंदे हमने बना लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम सीधी सिलाई को बना लेंगे, और यहाँ पे अब हम अपना दूसरी पत्ती को शुरुआत करेंगे। तो चलिए मैं सीधी सिलाई को बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपना ब्लू कलर को लगा लिया है, सीधी सिलाई को बना लिया है। अब फिर से हम यहाँ पे अपना 18 फंदे बनाएंगे, और यहाँ पे 2 फंदे हम फ्लावर के बनाएंगे। उसके बाद हम
10 फंदों को अपना ये ब्लू कलर से बनाएंगे और दो फंदे हम लास्ट के छोड़ेंगे। जिस तरह से मैंने इसको शुरुआत किया है उसी तरह से आपका ऊपर की तरफ बनेगा। तो सेम उसी तरह से आपने पूरा टेबल मैट यहाँ पे कंप्लीट करना है, बिल्कुल ईजी है। ये देखिए यहाँ पे 18 फंदे बना लेते हैं ब्लू से, दो फंदे हम अपना इसमें येलो कलर लगाएंगे फ्लावर के लिए और लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे और बाकी के ब्लू कलर के 10 फंदे बनाएंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह से यहाँ से शुरुआत की है सेम उसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसी तरह से इसको बनाया है। ये देखिए पूरा टेबल मैट मैंने इसी तरह से ये कंप्लीट किया है और यहाँ पे मेरा देखिए ग्रीन कलर लगा हुआ है। अब ग्रीन कलर लगाने के बाद हम सभी फंदों को यहाँ पे बंद कर देंगे। सभी फंदों को मैं सीधी सिलाई में घटा दूंगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने ये अपना, और ये देखिए मैंने सभी धागों को कट करके नॉट लगा दिया है ताकि आपका कहीं भी नहीं खुलेगा। ये अच्छे से ये हमारा बन चुका है। ये देखिए और बीच में आप कोई भी फ्लावर इसमें लगा सकती हैं। ये देखिए अच्छे से बन के कम्प्लीट है ये। तो इसी तरह से मैंने ये टेबल मैट अपना पूरा कम्प्लीट किया है और किसी भी तरह से इसको आप यूज कर सकती हैं, टेबल मैट की जगह या डोर मैट की जगह या पूजा आसन की तरह किसी भी तरह से इसको आप यूज कर सकती हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा टेबल मैट आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।